खूबसूरत फने तामीर की सरजमीन, जहां की इमारतें राजाओं की शुजात, उनके शाहाना तर्ज जिंदगी और खूबसूरती से उनकी मोहब्बत के किस्से बयान करती हैं। रेलवे स्टेशन से ही ये शहर गुलाबी रंग में डूबा हुआ नजर आता है और ये भी फने तामीर का एक बेहतरीन नमूना है। हर तरफ गुलाबी रंग के नुमाया होने के सबब ही इस शहर को गुलाबी नगरी कहा जाता है। इस शहर का असल नजारा देखना है तो हमें नाहरगढ़ किले का रुख करना होगा। ১৭৩৪ में महाराजा सवाई जयसिंह दोम के जरिए इस किले को तामीर करवाया गया, जो जयपुर शहर के बानी भी थे। इस किले के नाम के एतबार से इसे शेरों का घर कहा जाता है। पहाड़ी के ऊपर का घुमावदार रास्ता शायद इसकी वजह है। बहरहाल वजह चाहे जो भी हो, यह किला सैयाहों और मकामियों की पसंद में शामिल है, जो यहाँ रोजाना बड़ी तादाद में आते हैं। नाहरगढ़ के अलावा जयपुर में काफी पुरौनक किले और महल हैं, जिनमें से हर एक की शानदार तारीख है। नाहरगढ़ किले से कुछ ही फासले पर राजा मानसिंह अव्वल के जरिए तामीर करवाया गया आमेर का किला दिन और रात दोनों में एक दिलकश नजारा पेश करता है और उसके सामने बह रही माउटा झील उसे और मुनफरिद बना देती है। पास ही जलमहल है, जो मानसागर झील के बीचों बीच राजपूत मुगल फने तामीर का एक बेहतरीन नमूना है। इस जल महल को देखकर कौन अंदाजा लगा सकता है कि एक 5 मंजिला इमारत है, जिसकी 4 मंजिलें जेरे आब हैं। शहर के असल हिस्से में दाखिल होते ही आलीशान हवा महल का दीदार होता है, जिसके अनगिनत दरीचे हर किसी को अपनी जानिब रागिब करते हैं। नजदीक में वाके सिटी पैलेस अपने बेल बूटे और नक्काशी किए गए दरो दीवार के लिए जाना जाता है। वसी अहाते से गुजरते हुए हम असलाह खाने में दाखिल होते हैं, जहां राजाओं और फौज के जरिए इस्तेमाल की गई तलवारें और बंदूकें रखी हैं। इसके बाद सर्वभद्रा है, जहां कभी राजा अपने वजीरों को हिदायत दिया करते थे। इस खूबसूरत महल से बाहर निकलते हुए हम जंतर मंतर का नजारा कर सकते हैं। इन आलीशान इमारतों में रिवायती मलबूसात, रक्स व मौसिकी के मजीद दिलकश रंग खुले हुए हैं, जिनमें कलबेलिया सबसे मशहूर है। इतनी खूबसूरत जगह के लिहाज से ये बात आसानी से समझी जा सकती है कि यहाँ की दस्तकारी अशिया वाकई काबले दीद होगी। यहाँ के दस्तकारों के जरिए बनाया जाने वाला एक स्पेशल क्राफ्ट है मिनिएचर पेंटिंग, यानी छोटी तस्वीरें बनाना।
इस दिलकश आर्ट को यहाँ पर मुगलों ने मुतारिफ कराया था, जो 16वीं सदी में इसे ईरान से लेकर यहाँ आए थे। बाद में इस फन ने हिंदुस्तानी रूप इख्तियार कर लिया और इसे राजपूत स्टाइल के साथ इस्तेमाल किया जाने लगा। आज इसे राजस्थानी मिनिएचर आर्ट आसानी से कहा जा सकता है। ये तमाम पेंटिंग्स पूरी एहतियात और बारीक बीनी के साथ की जाती हैं। इनमें मजबूत लाइनों और तीखे रंग का इस्तेमाल होता है और इनके पैटर्न भी बड़े लुभावने होते हैं। मिनिएचर आर्टिस्ट अपनी इन पेंटिंग्स में कागज, कांच, कपड़े और दीवारों का इस्तेमाल करते हैं। मुसव्विरी के लिए जिन रंगों का इस्तेमाल किया जाता है वो रंग मादनियात और सब्जियों, कीमती पत्थरों और साथ ही असली सोने और चांदी से बनाए जाते हैं। इसके लिए ब्रश बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि अच्छे नतीजे हासिल किए जा सकें। 1997 में नेशनल अवार्ड जीतने वाले जयपुर के मशहूर मिनिएचर पेंटर बाबूलाल मरोटिया ने 1997 में ही अपना सरस्वती कला केंद्र कायम किया था, जहां पर वो अपने शागिर्दों को इसके बारे में सिखाते हैं। इनका मकसद आर्ट की इस सबसे खूबसूरत शक्ल को फरोग देना है। वो अब तक 7,000 से ज्यादा लोगों को इसकी ट्रेनिंग दे चुके हैं। मरोटिया की जिंदगी हुसूलियाबियों से भरी पड़ी है। उन्होंने ये फन अपने वालिद और दादा से सीखा था। अपने इस हुनर के लिए 1995 में उनको नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट से नवाजा गया। इसके बाद 1997 में उन्होंने नेशनल अवार्ड हासिल किया। फिर इनको दोबारा यूनेस्को अवार्ड से सरफराज किया गया, पहली बार 2004 में और दूसरी बार 2005 में। बाबूलाल के दो भाइयों को भी नेशनल अवार्ड मिल चुका है। उनके भाई बद्री नारायण को ये अवार्ड 2001 में मिला था, जबकि हरी नारायण को 1998 में ही नेशनल अवार्ड मिल गया था। इसके अलावा बाबूलाल की बीवी रामप्यारी और बेटी सुनीता दोनों ही स्टेट अवार्डीज हैं। इसी तरह उनके बहुत से शागिर्द भी कई अवार्ड हासिल कर चुके हैं। इनमें से कई ने बाबूलाल की बेटी सुनीता की तरह पेंटिंग के मुख्तलिफ स्टाइल में काम करना शुरू किया, जैसे पेपर कटिंग वर्क या सांजी आर्ट, जिसमें सुनीता काफी माहिर हैं। इस आर्ट की तफसील बयान करते हुए बाबूलाल बताते हैं कि इसमें कितनी मेहनत दरकार होती है और वो कैसे नेचुरल स्टोन कलर्स को पेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिसके बारे में उनका कहना है कि इनकी चमक कभी मध्यम नहीं पड़ती। यह कला लघु चित्र कला है। यह जो जयपुर है इस कला के लिए काफी प्रसिद्ध है। यह कला के लिए यह कला पर्शियन से आई है और इस कला में जो सबसे अच्छा कार्य हुआ है वह मुगल काल के अंदर हुआ। मुगल काल में, मुगल काल में भी जो जहांगीर का समय था उस समय सबसे अच्छा कार्य हुआ वह सवर्णयुग कहलाता था। यह कला विभिन्न शैलियों के नाम से जानी जाती है, जैसे बसोली, कांगड़ा, मालवा, मुगल। राजस्थान में भी विभिन्न शैलियां हैं, जैसे जयपुर, किशनगढ़, कोटा, बूंदी, जोधपुर, मेवाड़ आदि शैलियां हैं।
यह पेंटिंग बनाने के लिए हम हाथ से बना हुआ पेपर वसली को काम लेते हैं, जो कि 3 या 4 पेपर को जोड़ के बनाते हैं। जहां रंगों का सवाल है, इसको बनाने के लिए हम पत्थर के रंग, खनिज रंग व वनस्पति रंगों का प्रयोग करते हैं। जैसे सफ़ेद रंग है, सफ़ेद रंग के लिए हम खड़िया, काले रंग के लिए काजल, लाल रंग के लिए हींगलू, हरे रंग के लिए जंगाल, पीले रंग के लिए पेवड़ी व जो सुनहरी कार्य है, सुनहरे काम के लिए हम सोने के वर्क व सोने के वर्क से बनी हिलकारी का प्रयोग करते हैं। मुझे बचपन से ही कुछ मतलब पेंटिंग्स वगैरह का, क्राफ्ट्स का मुझे ऐसा शौक़ था। फिर पापा से मैंने जो सिटी पैलेस में जो कैंप लगते थे उसमें मैंने फिर सीखना स्टार्ट किया। पापा जो उनके जो समर कैंप होते थे उसमें मैं पापा के साथ सीखती थी, उन्होंने मुझे सिखाया, मिनिएचर पेंटिंग सिखाई। फिर उन्होंने पेपर कटिंग का एक डिफरेंट है जो पूरे राजस्थान में बहुत कम लोग करते हैं, बहुत यूनिक है यार। तो इस चीज़ को मैंने फिर स्टार्ट किया। पहले मैं शौकिया तौर पर करती थी, मुझे अच्छा लगता था फ्री टाइम में। फिर धीरे धीरे मैं बनाती गई और अभी कुछ मैंने एग्जीबिशंस भी की है और वो चीज़ अभी रेगुलर है, तो मैं अभी बनाती हूँ पेंटिंग्स। मैं अपना करियर इन पेंटिंग में बनाना चाहती हूँ और मेरा आगे का प्लान ये है कि मैं राधा कृष्ण लाइक गणेशा एंड शिव पार्वती का सब्जेक्ट लेके मैं कुछ करना चाहती हूँ। इनका एक मॉडलाइजेशन जो होता है, एग्जीबिशंस, एक तरीके का अपना आर्ट मैं दिखाना चाहती हूँ लोगों को आगे जाके। मेरी पेंटिंग्स, मेरे सब्जेक्ट्स, मेरा कलेक्शन जो है मैं उसे दिखाना चाहती हूँ, ताकि लोग समझे कि हाँ, एक जयपुर में एक ऐसी कला है जो बहुत ज़्यादा अच्छी और खूबसूरत है। मुसव्वरी के इस फन में बहुत से मौजूआत को बयान किया जाता है। इसमें भगवान शिव को भी पेश किया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें नेशनल अवार्ड मिला। इसके अलावा राधा कृष्ण, प्यार की कहानियां, राजा और रानियों की तस्वीरें, शाही दरबार, शिकार के मनाजिर और इस किस्म की बहुत सी दूसरी चीजों का बयान इन पेंटिंग्स में मिलता है। यूरोप, इटली और जर्मनी में बाबूलाल का अच्छा मार्केट है, जिसके बारे में वो बताते हैं कि इन जगहों पर इन पेंटिंग्स की काफी मांग है और कीमत भी अच्छी मिलती है। पेंटिंग की सजावट और इसमें इस्तेमाल किए गए सामान वगैरह की बुनियाद पर इनकी कीमत 2000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए तक होती है। बाबूलाल के भाई हरि नारायण और बद्री नारायण के पास भी अच्छे मार्केट्स हैं और वो भी अच्छा पैसा कमाते हैं। इन तीनों भाइयों को इस बात की बेहद खुशी है कि उन्होंने शानदार नेशनल अवार्ड जीते। इनका कहना है कि अवार्ड जीतने से उन्हें अपने इस फन को फैलाने, इसकी नुमाइश करने और अपने जरिए बनाई गई पेंटिंग्स को बेचने में काफी मदद मिली है। हरि नारायण और बद्री नारायण कांच पर मिनिएचर पेंटिंग्स में महारत रखते हैं। ये कागज पर मिनिएचर पेंटिंग की तरह ही दिलकश होती है। ग्लास पेंटिंग सीखने का एक ही कारण था कि ये कला लुप्त हो चुकी थी, उसको बचाना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जो कला, इसको जो मटेरियल है वो पहले बेल्जियम से आता था, अभी भी नहीं था, आज भी लुप्त है, लेकिन जो 2-3 कलाकार है जो हम जो कोशिश कर रहे हैं इसको बचाने की, तो उसको ताकि ये कला जीवित रहे और आगे बढ़े तो उसका मटेरियल बन जाए। तो और मिनीचर पेंटिंग है, इसको सीखने का करने का काम ये कि बड़े बदर करते थे, फादर भी करते थे, फैमिली वर्क था पूरा। पेंटिंग्स में निखरने वाले रंग और शीशे पर शीशा चिपकाने के बाद ये बहुत खूबसूरत शक्ल अख्तियार कर लेती हैं। ये फन अपने आप में महारत का काम है। रंगों को तैयार करना और उन्हें मिलाना,
पेंटिंग्स बनाने के लिए कागजों को आपस में जोड़ना और तस्वीर बनाने से मुतालिक दीगर काम एक तवील अमल होता है, जिसमें खातरखा नतायज हासिल करने के लिए कई कई दिन का वक्त लग जाता है। कागज पर तस्वीरें बनाने के अलावा फनकार मांग के हिसाब से सिल्क, हाथी दांत और कॉटन पर भी पेंटिंग्स करते हैं। सरकार चूंकि इन फनकारों के लिए बहुत से दरवाजे खोल रही है, मेले और त्योहार मुनक्कित कर रही है और बाहरी मुल्कों में पेंटिंग्स को बेचने के मौके पैदा कर रही है, इसलिए बाबूलाल और उनके भाइयों को अपनी जिंदगी में अदम तहफ्फुज का कोई एहसास नहीं होता। विदेश में गया, मैं अमेरिका भी गया हूँ 2 बार, स्विट्जरलैंड गया हूँ, बेल्जियम गया हूँ और ब्राज़ील गया हूँ, कनाडा गया हूँ, 6-7 घंटे गए गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट एक प्रोवाइड करती है हमको, 2 साल में एक बार विदेश भेजती है, तो वहाँ काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है। वहाँ डेमोस्ट्रेशन दे, लाइव डेमो देते हैं, वहाँ का काफ़ी रुझान रहता है, वहाँ के टूरिस्टों का काफ़ी पसंद करते हैं फोड़ना। वो देखते हैं कि और सारा मशीनरी आइटम है, ये बात का बारीक काम कैसे करते हैं ये, और ये भी बिना किसी आई ग्लास लेंस से, तो काफ़ी इम्प्रेस होते हैं वो लोग। की कौमी अवार्ड याफ्ता तुलसी कला को राजस्थान के कदीमी और रिवायती जेवरात में कुंदन जड़ाव के काम के लिए ये एजाज मिला। वो आज खुश हैं और उनका मुस्तकबिल महफूज है और इसके लिए वो अपने फन का एहसान मानती हैं, जिसके सबब उनके काम की मुल्क और बैरून मुल्क में बहुत ज्यादा मांग है। इस खातून की सलाहियत को पूरे मुल्क में क्यों इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जाता है, ये इस बात से वाजे होता है कि उन्होंने कौमी अवार्ड हासिल करने से पहले 1997 में रियासती अवार्ड हासिल किया, लेकिन अपने आबाई वतन राजस्थान से नहीं बल्कि गुजरात से, जहां वो पहले रहा करती थी। उन्हें अपने खूबसूरत पेंडेंट्स के लिए रियासती अवार्ड मिला, जबकि एक मखसूस किस्म के पत्थर पर अर्धनरेश्वर गुदा हुआ है, जिसके लिए उन्हें कौमी अवार्ड मिला। तुलसी कला का काम काफी महंगा होता है, क्योंकि उसमें ज्यादातर सोने, हीरे जवाहरात और कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया होता है, बल्कि वो पहली शख्सियत है जिन्होंने जेड नामी एक मखसूस किस्म के पत्थर पर काम करना शुरू किया। जमाना कदीम में इस तरह की कामदानी की हुई चीजें सिर्फ राजा, रानियां और शाही खानदान के अफराद ही पहना करते थे, क्योंकि बाकी सबकी पहुंच से ये बाहर होती थी। जैसे जैसे बादशाहत के खत्म होने के बाद जमहूरियत कायम हुई, ये फन दम तोड़ने ही वाला था कि तभी तुलसी जैसे फनकारों ने इसमें एक नई रूह फूंक दी। जो मेरे गुरु हैं, जो मेरे बड़े भाई साहब रामचंद्र काला, तो उनकी इच्छा ये थी कि लड़कियां इस काम को सीखे, ना सिर्फ इसको सीखे बल्कि इस काम की जो ऊंचाइयां हैं उन पे लेके जाए, क्योंकि 1963 में भारत सरकार की तरफ से गोल्ड कंट्रोल कानून लगाया गया था, जिसके अंतर्गत जो हमारा आर्ट था कुंदन जड़ाई का, वो बिल्कुल डेड हो गया था। इसमें बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे थे जो जड़ाई का या सोने का काम को छोड़ करके दूसरे व्यवसाय में जा रहे थे, उसके अलावा पढ़ाई में जा रहे थे कि हमें नौकरियाँ मिल जाए, हमें ये हो जाए, वो चाहते थे कि ये आर्ट जिंदा रहना चाहिए। और उनकी बिल्कुल ये तमन्ना थी कि भाई जो हम लोग हैं, जो जेंट्स हैं, जो पुरुष हैं, तो वे लोग तो क्या है कि घर में, मतलब घर को ऊंचाइयों पे लेके आना, उसमें कमाना बहुत ज़रूरी है, तो वो लोग तो उस तरफ चले जाते हैं कि भाई व्यवसाय की तरफ, कि भाई हम ये काम करेंगे तो इसमें ज़्यादा पैसा मिलेगा, ये काम करेंगे इसमें कम मिलेगा। लेकिन जो लड़कियां हैं घर में, वे इस आर्ट को करें
तो ना सिर्फ परिवार का मतलब सहायता करे लेकिन वो इस आर्ट को भी जिंदा रखे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी, कुछ आर्ट ऐसे थे जिनके पैसे नहीं मिला करते थे, क्योंकि लोग समझते नहीं थे, वे सोचते थे कि जो हमारी चीज़ जल्दी से बिक जाए वो ठीक है आज के टाइम में। तो उन्होंने यही चाहा कि भाई लड़कियाँ इस काम को सीखें और इसको ऊँचाइयों पर ले जाएँ। तो उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि भाई जो हमारी भारत सरकार है वे अच्छे आर्टिस्ट को नेशनल अवार्ड देती है, तो आप पूरा काम सीखो और अच्छा आर्ट सीखो ताकि आप ऊंचाइयों पे जाओ, काम को भी ऊंचाइयों पे ले जाओ, आप अपने नाम को भी ऊंचाइयों पे ले जाओ। तुलसी अपने इस फन को अपने तक ही नहीं रखती, बल्कि जितने भी तलबा इसे सीखने की ख्वाहिश रखते हैं उन्हें सिखाती हैं और भारत के रिवायती दस्तकारी के फन को फरोग दे रही हैं। उन्हें इस दस्तकारी को इख्तियार करने की तरगीब और हौसला अपने बड़े भाई रामचंद्र कला से मिला। जिन्हें पहले ही इस बात का एहसास हो गया था कि उनकी बहन आगे चलकर बड़े बड़े एजाज हासिल करेगी और साथ ही अपने मुल्क के कदीमी दस्तकारी के फन में एक नई जान फूंक कर उसकी खिदमत भी अंजाम देगी। आज वो इस बात पर फख्र महसूस करते हैं कि उनकी बहन की कोशिशें रंग ला रही हैं और वो काफी लोगों को रोजगार देने के साथ साथ उन्हें ये फन सिखा भी रही हैं। पहले दिन मैंने सिखा था कि तू इस क्षेत्र में अगर आगे आएगी तो एकदम नॉन कॉम्पिटिटिव एरिया है जहाँ पे तुम्हें आसपास में लड़ने वाले नहीं है, तो तुम सीधे नेशनल अवार्ड तक जाओगी। और मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, ये लोग भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो कुछ क्या कहते हैं कि वंशानुगत भी मिलता है, तो वो भी तुम्हारे पास में है। और इन्होंने उसका पूरा पूरा लाभ उठाया कि आज ये नेशनल अवार्ड तक पहुँच गए। मुझे तो बहुत आनंद होता है ये दान करके। इस दस्तकारी से वो एक खुशहाल जिंदगी बसर कर रही हैं। इतने सारे एजाजात और इनामात के बावजूद तुलसी की तख्लीकी सलाहियत उन्हें एक जगह ठहरने नहीं देती। वो मुसलसल नई चीजों की तलाश में रहती हैं। उन्हें अपने काम के लिए ईरान, जुनूबी हिंदुस्तान और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से तरगीब हासिल होती है। उनके शागिर्द भी मजीद नए इम्कानात तलाश करना चाहते हैं। नई नस्ल में इस तरह के जोश को देखकर ये कहा जा सकता है कि राजस्थान के फनून का मुस्तकबिल रोशन और महफूज है।